और एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए। पंजाब के लोगों के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और वीडियो बनाकर हमें भेज दें। भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली में 49 दिन में भ्रष्टाचार खत्म हुआ था, ये केजरीवाल ने कहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार चलाएंगे, और भगवंत मान ने आज ही अपने काम की शुरुआत की। कल शपथ लेने के बाद कहा कि बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। को लागू करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर जारी करके दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली हमसे, ताकि हम इसको लागू ना कर पाए। दिल्ली में तो हमने फिर भी भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि हमसे हमारी एंटी करप्शन ब्रांच क्यों छीनी गई? आज 75 साल हो गए आजादी के। 75 साल कम नहीं होते किसी देश के इतिहास में। 75 साल बहुत होते हैं। आज 75 साल भी जब बाद भी एक आम आदमी किसी भी दफ्तर में अपना काम कराने के लिए जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। बिना पैसे के काम नहीं किया जाता, उसकी बेइज्जती की जाती है। क्यों? क्योंकि इन सारी पार्टियों की सरकारों ने मिलकर करप्शन किया है। आप क्या सोचते हैं कि जब आप राशन कार्ड बनवाने जाते हैं किसी दफ्तर में और आपसे पैसे मांगे जाते हैं, उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा वो क्लर्क रखता है, बाकी पैसा ऊपर तक चलते 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 मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है, ऊपर तक जाता है सारा पैसा। जिस भी विभाग में पैसा इकट्ठा किया जाता है, वो पैसा ऊपर तक जाता है। लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जाता है। तो जो सरकारें, जिन सरकारों में, जिन पार्टियों की सरकारों में मंत्री मुख्यमंत्री पैसा खाते हैं, वहां तो आपको एक आम आदमी को रिश्वत तो देनी पड़ेगी। केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारत के इतिहास में आजादी के बाद केवल पहली ईमानदार सरकारें बनी है दिल्ली और पंजाब में, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसमें हिम्मत है कि अगर कोई रिश्वत मांगे रिकॉर्डिंग कर देना, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि केजरीवाल पैसा नहीं खाता, मेरे मंत्री पैसा नहीं खाते, भगवंत मान पैसा नहीं खाता, भगवंत मान के मंत्री पैसा नहीं खाते। हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हमें हफ्ता नहीं चाहिए, हमें महीना नहीं चाहिए सब डिपार्टमेंट से। हमने महीना नहीं बांध रखा, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए आए हैं। तो आज का ये ऐलान भगवंत मान जी का बहुत बड़ा ऐलान है। जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब से भी अब भ्रष्टाचार खत्म होगा। पंजाब के लोग सुकून की सांस लेंगे। पंजाब के लोग भी फोन निकाल के अफसर को कहेंगे, फोन निकालूं, मेरा काम करता है कि नहीं करता? 99% केसेस में तो वैसे ही काम हो जाएगा, किसी को रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऑफिसर्स ईमानदार होते हैं, कुछ चंद मछलियां हैं जो सारे तालाब को गंदा करती हैं। मैं सारे ऑफिसर्स से भी पंजाब सरकार के निवेदन करूंगा कि आप सब लोग ईमानदारी से काम करें। बहुत बड़ा इनकलाब लोग लेके आए हैं, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, सबकी उम्मीदों को हमें मिलके पूरा करना है, और पूरे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है। एक दिन पंजाब से, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, हमने ये दिखा दिया कि ईमानदारी से सरकार चल सकती है। हमने ये भी दिखा दिया कि भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है अगर जनता खड़ी होके इनकलाब लेके आए, जैसे दिल्ली और पंजाब की जनता ने इनकलाब किया। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि करप्शन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर इसीलिए पंजाब में जारी किया गया है, और कोई भी अगर रिश्वत लेते हुए आपको दिखाई देता है या लेता है, उसका वीडियो बनाकर भेजे, सरकार, पंजाब सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में ईमानदार सरकार लेकर आएंगे।